हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, सेल का सीजन यहां पर स्टार्ट हो चुका है। फ्लिपकार्ट पे भी फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल यहां पर बहुत ही जल्दी यहां पर आने वाला है और आपको इसमें बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन डील्स देखने को मिलेगी। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको यहां पर 40 स्मार्टफोन्स की डील बताने वाला हूं, जिसमें आपको कुछ स्मार्टफोन ऐसे है जो कि लेने लायक है, बहुत ही बढ़िया डील मिल रही है। क्या कुछ ऑफर मिल रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में कौन से स्मार्टफोन वेस्ट ऑफ मनी है जिससे आपको दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, वो भी आज के स्टूडियो में बताने वाला हूं। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, ऐसी सेम टाइप की वीडियो 40 स्मार्टफोन बेस्ट डील और बेकार डील के बारे में जो है Amazon प्राइम डे सेल के ऊपर भी हमने वीडियो डाले थे कल के दिन। तो अगर आप Amazon के सेल को लेकर इंटरेस्टेड हो तो जरूर से उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दूं यहां पर सेल डेट के बारे में। तो जो बिग सेविंग डे सेल है जो आपका 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में रहने वाला है, मतलब कुल मिला के 5 दिन का यहां पर यह सेल रहेगा। बैंक ऑफर कि अगर हम बात करें तो यहां पर ही आपको दो बैंक ऑफर देखने को मिलते हैं। यहां पर सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, एज वेल एज आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पे जो है आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आईसीआईसीआई के डेबिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और यहां पर अगर हम बात करें भाई, जो प्लस मेंबर है उन लोगों के लिए यहां पर ये कब से सेल स्टार्ट होगा, तो फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर अगर आप हो तो आपको एक दिन पहले बेसिकली 4 घंटे पहले आपको जो है सारी चीजें ऑफर लूटने का मौका मिलेगा। मतलब 5 अगस्त को रात 8 बजे से जो है फ्लिपकार्ट के जो प्लस मेंबर है वो लोगों के लिए सारे जो है आप बोल सकते हो ऑफर जो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आपको बता दूं भाई, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे नो आइडिया, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह खुली नहीं रहा है, तो आप पकड़ के चल सकते हो कि बड़ा सेल इंडिपेंडेंट सेल जैसा है, तो आपको 1500 रुपये का यहाँ पर जो है मैक्स डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर डील की बात करें तो iPhone XR 45,000 रुपीज का है। ये डील मुझे पर्सनली आईफोन के हिसाब से अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये डील मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। 45,000 रुपीज में बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, ऑफर वगैरह लगाओगे 43,500 रुपीज में अमेजिंग है। डेफिनेटली अगर आप आईफोन लवर हो, आपको जो iOS इकोसिस्टम में जाना है, तो डेफिनेटली जो है आप इसे परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ओप्पो Reno2F 18,000 रुपये में, मत लेना भाई, अमेजोन पे भी मैंने मना किया था, यहाँ पर भी मना कर रहा हूँ, जान मुझ के दिखाया जा रहा है। हीलियो P70 18,000 रुपये में कौन लेगा, मैं नहीं लूंगा, आप लोगे क्या, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तीसरा है रियलमी नार्जो 10, बेसिकली 12,000 रुपये का है, इस पर आपको 10% मिलाओगे तो 1200 रुपये का डिस्काउंट है, 10,800 रुपये में बोलूंगा ठीक ठाक है। अगर आपको 128 GB की स्टोरेज चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, बैटरी लाइफ वगैरह बड़ी चाहिए, देख सकते हो 10,000 रुपये में, 10,800 रुपये में जो है काफ़ी अच्छा, नहीं बोलूंगा ठीक ठाक स्मार्टफोन है। नेक्स्ट है यहाँ पर रियलमी 6 16,000 रुपये का है, पता नहीं 664 यहाँ पर ये जो ज़्यादा हाईलाइट करे, 16,000 रुपये में बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, इससे अच्छा जो 6i ले सकते हो 13,000 का, सिर्फ कैमरे का फ़र्क है, तो 6 को आप आज की डेट में स्किप कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पर रियलमी आपका 5i की अगर हम बात करें तो ये 12,000 रुपये में मिल रहा है, तो भाई नार्जो 10 ले लो इससे अच्छा, तो 5i को आप स्किप कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पर रियलमी C2 7,000 रुपये में, स्किप कर दो, इससे बेटर आप रियलमी C11 परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर रियलमी 6 प्रो 18,000 रुपये का है। देखो ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन है, टेलीफोटो लेंस वगैरह का भी वहाँ पर आपको फीचर देखने को मिलता है, तो डिस्काउंट लगाओगे तो आपको अराउंड 1500 माइनस करते हो तो 16,500 रुपये में अच्छी डील है। रियलमी 6 प्रो ले सकते हो, टेलीफोटो लेंस और वो लाइटनिंग कलर अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके 4 स्मार्टफोन है, यहाँ पर रेडमी 8 10,000 रुपये में, बिल्कुल भी गलती से मत लेना, स्किप कर दो। नेक्स्ट है पोको X2 17,500 रुपये का, 1500 माइनस करोगे 16,000 रुपये में, अमेजिंग है, वन ऑफ द बेस्ट डील आप यहाँ पर ये सेल की बोल सकते हो। साथ में ओप्पो A12 स्किप कर दो, वीवो Y91i 8,000 रुपये में स्किप कर दो। नेक्स्ट है ओप्पो A9 14,000 रुपये में, गलती से भी मत देखना, वीवो Z1 Pro अरे यार 18,000 रुपये में ये क्यों लेगा भाई, इससे बेटर Z1X नहीं ले लेगा बंदा, तो ये भी यहाँ पर इसको स्किप कर दो। वीवो Z1X 17,000 रुपये का आपको जो बेस ब्रांड मिल रहा है, 1500 रुपये माइनस कर दोगे तो अराउंड आपको जो है 15,500 रुपये का डिसेंट डिवाइस है। मैं इस्तेमाल करता हूँ एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक ऑलराउंडर मिड रेंज कैटेगरी का डिवाइस चाहिए तो 15,500 रुपये में देख सकते हो डिसेंट डिवाइस है।
नेक्स्ट है यहाँ पर ओप्पो F15 17,000 रुपए का, गलती से भी आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर रियलमी एक्स पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला, याद है जो बेजललेस डिस्प्ले आया था 17,000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी 18,000 रुपए का मिल रहा है। और आज की डेट में स्नैपड्रैगन 710 जो 18,000 रुपए में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट है सैमसंग A31 21,000 में, पैसे बर्बाद मत करना। नेक्स्ट है यहाँ पर ओप्पो A31 12,500 रुपए में, देखना भी मत। नेक्स्ट है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A71 31,000 रुपए में, मैं बोलूंगा ओवर प्राइस है, सिर्फ ऑफलाइन के नाम पे ये पैसा कमाना चाहते हैं। 31,000 रुपए में आपको फ्लैगशिप फोन मिल जाता है, फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में, थोड़ा मिला के OnePlus 7T क्यों नहीं ले लोगे, सोचने वाली बात है। A71 स्किप कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पर ओप्पो A11 के 9,000 रुपए में, स्किप। वीवो U10 11,000 रुपए में, आज की डेट में कौन लेगा भाई, 8,000-8,000-7,000-8,000 रुपए का फोन है, पुराना हो चुका है, 7,000-8,000 में ठीक था, 11,000 रुपए में स्किप। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑनर 9S 6,000 रुपए में, देखो फोन 6,000 रुपए में ठीक ठाक है, लेकिन इसमें गूगल मोबाइल सर्विस नहीं मिलती है, तो हुआवे मोबाइल सर्विस वाले स्मार्टफोन में रेकमेंड नहीं करता हूँ। पूरा का पूरा यहाँ पर आपका सर्वर जो चाइना का रहता है, तो ऑनर 9S स्किप कर दो, टोटली स्किप कर दो, जिसमें गूगल मोबाइल सर्विस नहीं मिलती है। नेक्स्ट है ओप्पो रेनो 4 35,000 रुपए का है, 720G, क्यों भाई ओप्पो वालों, चाइना में 765G है, इंडिया में 720G क्यों है, वो इतने महंगे प्राइस पॉइंट पे है, बिल्कुल भी नहीं लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर रियलमी 6i 13,000 रुपए का है, इसमें आपको 1300 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अराउंड 11,700 रुपीज का है, अमेजिंग डील है, ऑफर मिलता है तो भी ले सकते हो, नहीं मिलता है तो भी 13,000 रुपए में वैल्यू फॉर मनी है। नेक्स्ट है ऑनर 9 प्रो 10,500 में, हीलियो P22, आप लोगे, मैं नहीं लूंगा, लोगे क्या बताना नीचे कमेंट्स में, स्किप कर दो। साथ में पोको M2 प्रो 14,000 रुपए का है, ऑफर मिले ना मिले इसे आराम से आप परचेस कर सकते हो, आग बंद करके परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है नार्जो 10A 9,000 रुपए का है, देखो ठीक ठाक डिवाइस था, लेकिन अभी जो Redmi 9 Prime लॉन्च होने वाला है सो वो इससे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराता है, तो नार्जो 10A भी आज की डेट में स्किप कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पर मोटरोला 1 फ्यूजन प्लस 17,500 का है, 16,000 रुपए में आपको बैंक ऑफर के साथ में मिल जाएगा, तो मैं बोलूँगा डिसेंट डिवाइस है, अगर बेजललेस डिस्प्ले चाहिए, पॉपअप सेल्फी कैमरे के आप फैन हो, और मोटरोला का स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए, ब्रांड वैल्यू वगैरह चाहिए, 16,000 रुपए में देख सकते हो। साथ ही में यहाँ पर रियलमी C11 7,500 रुपए का परचेस कर सकते हो। साथ में इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस 8,000 रुपए में, देखो ये स्मार्टफोन ओवरऑल मैं बोलूँगा डिसेंट डिवाइस है, बैटरी लाइफ अच्छी है, डिस्प्ले बड़ा है, सिर्फ परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेजेंडरी P22 है, तो P22 नहीं और कम वाला प्रोसेसर है आई थिंक, तो देखना है, देख सकते हो, अगर गेमिंग या परफॉर्मेंस वाली चीज़ नहीं करते हो तब देख सकते हो। मोटोरोला G8 पावर लाइट 10,000 रुपये में, इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर रियलमी X3 25,000 रुपये का है, ऑफर लगाओगे 23,500 रुपये में, वन ऑफ दी बेस्ट डील अगेन बोलूंगा, स्नैपड्रैगन 855 प्लस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 30 वॉट की जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, कैमरा जबरदस्त, तो फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन चाहिए, वो भी 23,500 रुपये में, इतना नया मॉडल, अमेजिंग डील है, चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है वीवो X50 सीरीज 35,000 से स्टार्ट होती है, 765G है, कैमराज वगैरह काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा अपर वाला जो मॉडल है उसका 50,000 का कुछ आता है, उसमें ज़्यादा फीचर है, तो ये भी इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है, ओवर प्राइस है। साथ में रियल में X50 Pro 5G 40,000 रुपये में, डिसेंट कहूँगा, 38,500 का है, 5G स्मार्टफोन है, और फ्लैगशिप ग्रेड की सारी चीज़ें दी है, 65 वॉट चार्जर हो गया, और मतलब 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह है, तो देख सकते हो 38,500 रुपीज में डिसेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पर K20, रेडमी K20 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, 22,000 रुपये में, गलती भी मत करना। नेक्स्ट है यहाँ पर ओप्पो A5S, ये आपको देखने को मिलता है 8,000 रुपये में, स्किप कर दो। IQ3 देखो वैसे तो आपको 35,000 रुपये का मिलेगा, लेकिन जो सिलेक्टेड फ्लिपकार्ट के बैंक ऑफर है उसमें से अगर आप इसमें परचेज करते हो, मतलब 15-16 बैंक के कुछ, तो उसमें आपको 3,000 रुपये का डायरेक्टली प्रीपेड डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप सिटी बैंक या ICICI से यहाँ पर लेते हो तो ये आपको और सस्ता, मतलब 30,500 रुपये का मिलेगा वो प्राइस पॉइंट पे, अमेजिंग है। स्नैपड्रैगन 865 30,500 रुपये में ले सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ में ओप्पो रेनो 2 29,000 में, आज की डेट में गलती नहीं करना। ओप्पो रेनो 2Z जो है वो भी 28,790 जो है उसमें आपको नहीं लेना है। साथ ही मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट डील अगेन बोलना चाहूँगा Redmi K20 Pro के ऊपर, Redmi K20 Pro जो है आपको 23,000 रुपये में मिलेगा, बैंक ऑफर लगाओगे 21,500 रुपये में, वन ऑफ दी बेस्ट डील है, चाहे अमेजोन की बात करो या फ्लिपकार्ट की बात करो, 21,500 रुपये में मेरी फेवरेट डील है K20 Pro।
Pro, highly recommend करता हूँ। ये price point पे 855 bezel-less display, AMOLED pop-up selfie camera, भर भर के फीचर आपको देखने को मिलते हैं। K20 Pro seriously थोड़ा पुराना जरूर हो चुका है, लेकिन आज की डेट में 21,500 रुपए में फर्क है 128 GB। नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो ये आता है आईफोन की तरफ से, उसका सबसे छोटा पैकेज आईफोन SE 37,000 रुपीज में आपको मिलने वाला है। और ये फ़ोन मैं उन लोगों को बोलूँगा कि भाई जिसको शो ऑफ करना है, एप्पल का लोगो बताना है और सबसे कम बजट है तो वो लोग देख सकते हैं, अदरवाइज 37,000 रुपीज़ में मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि बड़े बेजल्स, पुरानी डिज़ाइन, HD+ रेजोल्यूशन वाला एक IPS डिस्प्ले, ना ही 90 Hz से ना 120 Hz से एप्पल का लोगो दिखाना है। सस्ता बजट है तो 37 में देख सकते हो, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर Realme X2 Pro, 29,000 रुपये का आपको ये देखने को मिल रहा है 128 GB वाला वेरिएंट। ऑफर वगैरह लगाओगे तो अराउंड आपको 1,500 रुपये का ऑफ मिलता है, तो 27,500 रुपये का मिलेगा। एंड फॉर दैट प्राइस पॉइंट हाईली रिकमेंडेड है। स्नैपड्रैगन 855+ है, 90 Hz का AMOLED डिस्प्ले है, 50W की आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और इससे ज़्यादा क्या लोगे, 27,500 रुपये में वैल्यू फॉर मनी है, हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर ओप्पो A5S 11,000 रुपये में, बिल्कुल भी यहाँ पर इसकी तरफ आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट है अगेन आईफोन 7+ 32 GB वाला 35,000 रुपये में, क्या बोलूँ भाई, पूरी दुनिया ने यहाँ पर ये स्मार्टफोन को फेंक दिए, 4 से 5 साल यहाँ पर ये स्मार्टफोन पुराना है, तो हम पागल बैठे 32 GB के लिए 35,000 एप्पल के लोगों के लिए, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग लेते हैं ना भाई, अभी उनको क्या बोलूँ, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। 35,000 रुपये में 32 GB आईफोन 7+, कौन से ज़माने का फ़ोन बता रहे हो, और पूरी दुनिया में कोई नहीं लेगा, इंडियन से हम यहाँ पर बैठे हुए कोई कोई जो ज़्यादा दिमाग वाले वो लोग लेंगे। ओप्पो रेनो 10X जूम आपको, वैसे तो ये महंगा है लेकिन प्रीपेड कार्ड से करते हो तो 27,000 रुपये का मिलेगा, उस पर 1,500 का ऑफ है, 25,500 रुपये में ले सकते हो। स्नैपड्रैगन 855 है, शार्क फिन आप बोल सकते हो, पॉपअप सेल्फी कैमरा वगैरह है, बेजल लेस डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कैमरास अच्छा है, जूमिंग कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये स्मार्टफोन को देख सकते हो। 25,500 रुपये में अगर आपको मिलता है, अच्छी डील है, देख सकते हो। तो गाइस ये गर्मा गर्म आपको यहाँ पर 40 डील्स देखने को मिलती है फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल में। ज़्यादातर स्मार्टफोन मुझे पता है लेने लायक नहीं है, कुछ स्मार्टफोन अच्छे भी है जो कि आप ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रांड्स अपना जो पुराना माल है भाई, इनको खाली करने की सोच रही है, और आपको बिल्कुल भी उनको खाली करने नहीं देना है। जोक्स अपार्ट, आपको जो मैंने रिकमेंड करा वो ले सकते हो, जो रिकमेंड नहीं करा उसको डेफिनेटली आप देखना भी मत। जी हाँ, तो ये थी मेरी वीडियो, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जितने भी मैंने आपको स्मार्टफोन बताया इसमें से आपका कोई स्मार्टफोन परचेज करने वाला हो, या आपकी कौन सी बढ़िया डील आपको लगी है, बताना नीचे कमेंट्स में। साथ में मैं मेरी फेवरेट डील की बात करूं, K20 Pro फेवरेट डील है, चाहे वो Amazon की सेल की बात करें, Flipkart 23,000 है और आपको कार्ड में 21,500 रुपए में, बेस्ट डील है। जी हाँ, 3 बार इसलिए बोला क्योंकि ये डील पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है, और मैं भी ऐसा हो सकता है कि डिवाइस को परचेस कर लूँ। जी हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो कैसे ये थी मेरी वीडियो, आई होप कि आपको ऑडियो पसंद आई रहेगी, और कैसे अगर आपको ऑडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।